क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक ऐसे थ्योरिटिकल फिजिक्स पे लिखा था एट जस्ट द एज ऑफ 16 जिसका टाइटल था ऑन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन अ मैग्नेटिक फील्ड उस साइंटिफिक एसे में एट रेविशी रोड राइट एट द एज ऑफ 16 उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एनी इलेक्ट्रिक करंट सेट्स द सराउंडिंग ईथर इन अ मोमेंटरी मोशन इस स्टेटमेंट से ना के सिर्फ हम इसकी कंक्लूजन निकाल सकते हैं इंडीड ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आइंस्टाइन वेंट अलोंग विद द आइडिया ऑफ द ईथर एट दैट टाइम व्हिच इनफैक्ट ऑल फिजिसिस्ट डिड एट दैट टाइम कि लाइट एक वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड इंडीड इट मूव्स विद एन अनसीन मीडियम कॉल्ड ईथर जो कि ऑल अराउंड इन द यूनिवर्स होता है but whoever knew that einstein a decade later at age of 26 in 1905 he will deny the existence of the ether and would rather say he lorentz transformations and relativity ke equations hote hai, that are important for light to uh, just exist and for it to travel at the speed of light c meaning 3 into 10 power 8 meter per second uh, in any inertial frame of reference other than the existence of ether thank you